सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये है डेली मेरठ एक्सप्रेस वे, देख सकते हैं। और ये प्रतापपुर से हम नीचे उतर रहे हैं मेरठ के लिए। और आपको बता दूं, इसके ऊपर से ही पीछे जो निकल के गया वहां से ये क्रॉस कर रही है RRTS रैपिड रेल, यानी कि मेरठ के लिए जा रही है अंदर। तो आप लोगों को दिखाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आकर ये डेली मेरठ एक्सप्रेस वे इसका यहाँ पर एंड हो जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, यहाँ से ये एंड हो चुका है डेली मेरठ एक्सप्रेस वे का। यहाँ से देखिए हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के लिए चले जाएंगे और हम इस अंडर पास से हो जाएंगे राइट, यानी कि जाएंगे मेरठपुर के अंदर। गई मेरठ के अंदर जाएंगे, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये अंडर पास बनाया गया है मेरठ अंदर जाने के लिए, तस्वीरें देख सकते हो। और ये सामने चल रहा है RRTS का काम, अभी पाइलिंग का काम चल रहा है इस एरिया में। यहाँ पे 3-4 पिलर वो पीछे ही बना दिए गए हैं बस। अब जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे और ये आ जाता है ब्रिज, यहाँ से ये इंडियन रेलवे क्रॉस करती है और इसके साइड से ही RRTS के पिलर्स बनाए जा रहे हैं। RRTS निकलेगी, ये मेरे राइट हैंड पर जो वो बोर्ड चमक रहा है आपको, ये वाला बोर्ड अब यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोगों को पिलर ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, ये 2-3 पिलर हैं ये यहाँ पर बना लिए गए हैं, कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कि पिलर कितने कंप्लीट हो गए हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पर, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनमें कंक्रीट भरा जाएगा, इसमें कंक्रीट भर दिया गया है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, इन पर पिलर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कितना कुछ काम चल रहा है। और आपको बता दूं, देखिए अभी साइड में आ रही थी, अब ये यहाँ से ये बीच में हो जाएगी, ये यहाँ से रोड के बीच में आ जाती है RRTS दिल्ली मेरठ। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई पिलर खड़ा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर पाइलिंग की जाएगी और पाइलिंग हो जाने के बाद में इस पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा, फिर पिलर को ऊपर स्टैंड किया जाएगा, कंक्रीट द्वारा उसको भरा जाएगा, फिर उस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और ये जा रही है JCB और इसको हम करते हैं क्रॉस और निकलते हैं आगे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरठ के अंदर प्रतापपुर से पहले ये देख सकते हैं ये पिलर भरने का काम चल रहा है, सेटिंग लगा दी गई है, इस पर कंक्रीट द्वारा भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा, ये भी पिलर भरा जाना है और ये वाले पिलर तो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हैं। अब इन पर पिलर कैप का काम किया जाना है क्योंकि ये तिकोने बनाए जा रहे हैं, गोल नहीं बनाए जा रहे हैं, तिकोने बनाए जाएंगे और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रतापपुर का ये RRTS का स्टेशन। इस पर भी आप देख लेते हैं चल के, देखिए ये पिलर कैप बनाने का काम चलने लगा है, सेटिंग लगी हुई है इस पर पिलर पे, ये पिलर कैप बन चुका है इस पर, अगला वाला पिलर कैप का काम चल रहा है, उस पर सेटिंग लगी हुई है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। यहाँ ये वर्कर्स इस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं वर्कर्स, देखो वो लगे हुए हैं, इस पिलर कैप को भरने का काम चल रहा है, इसको स्टैंड किया जा रहा है पिलर कैप को इस पिलर के। और ये आगे वाला पिलर तो बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब ये दूसरा स्टेशन आ जाता है मेरठ का प्रतापपुर, ये प्रतापपुर का मैं स्टेशन है, देख सकते हैं दोनों साइड में ये पिलर बनाए जा रहे हैं, फिर इन पर बीम रख के जाएंगे, बीम रख जाने के बाद में फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि साइडों में इनमें कंक्रीट भरा जाएगा। तो देख सकते हैं नीचे का फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जो ऊपर का फ्लोर बचा, ऊपर का फ्लोर बचा हुआ उस पर ही ये मेट्रो के लिए बना रहे हैं, जहाँ तक ये RRTS गुजरेगी दोस्तों। यह है प्रतापपुर का स्टेशन, RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, और देख सकते हैं दोनों साइड में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी लेफ्ट वाले पिलर भरने का काम चल रहा है और यहाँ पर ये देख सकते हैं बीम रख दिया गया है, और बीम रख जाने के बाद अब ये साइड में इन पर कंक्रीट की द्वारा ये भरे जाएंगे, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट के भरे जाने हैं गाइस, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और यहाँ तो ये बायोडक्ट क्लियर हो गया है, रिठानी के स्टेशन तक ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया गया है, ये लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट
कर लिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हैं आगे रिठानी के स्टेशन आने वाला है, फिर उसके बाद में आएगा शताब्दी का RRTS का स्टेशन। तो रिठानी के स्टेशन दिखाते हैं, उस पर कितना कुछ वर्क हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग और इन्जॉय करिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अभी आगे बार आने वाला है, क्योंकि ये बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया गया था, बहुत पहले ही, क्योंकि अब जो वर्क चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो यहाँ पर स्टेशन को बनाने का ही वर्क चल रहा है। और आपको अभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन बनाए जा रहे हैं RRTS के, जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक ये बायोडक्ट क्लियर कर लिया गया है और यहाँ पर लगा हुआ है शायद लॉन्चर, इधर लॉन्चर लग रहा है जाने, इससे आगे लॉन्चर लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, इससे आगे लॉन्चर लग रहा है। यहाँ पर यह रिठानी के स्टेशन तक ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया गया है। अब ये रिठानी का स्टेशन स्टार्ट हो जाता तो देख सकते हैं ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए गए हैं, देख सकते हैं साइडों से भी भर दिए गए हैं। ये बीम उठा कर लाए जाते हैं, बीच में रखे जाते हैं बीम, अब ये साइडों से ये भरे जाएंगे कंक्रीट द्वारा। ये रिठानी के स्टेशन पर देख सकते हैं ऊपर का काम चल रहा है, नीचे का बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, जो फर्स्ट फ्लोर बनाना था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड फ्लोर पर काम चल रहा है, जिस पर RRTS दौड़ेगी। और देखिए राइट साइड के पिलर बन चुके हैं, लेफ्ट साइड के बनाए जा रहे हैं, इन पर सेटिंग लगा दी गई है और इस पर कंक्रीट भरा जाएगा। और कंक्रीट भर जाने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इन पर अभी ये इस पर गाटर रखा जाएगा और गाटर रख जाने के बाद में ये दोनों पिलर आपस में जोड़ दिए जाएंगे कंक्रीट द्वारा। लेफ्ट और राइट के जो पिलर हैं उनमें कंक्रीट भरा जाएगा, फिर इसको बीम को अच्छे से पकड़ मजबूत कर ली जाएगी। और दूसरा बायोडक्ट ये जाता है, देख सकते हैं ये कितना बायोडक्ट बन चुका है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये रिठानी के स्टेशन से पहले ही बायोडक्ट क्लियर कर लिया गया था, फिर वहाँ से लॉन्चर उतारा गया है, फिर स्टेशन को पार करके फिर लॉन्चर स्टैंड किया गया है, फिर ये आगे चल रहा है। अब आगे आने वाला है जो स्टेशन आएगा वो आएगा शताब्दी नगर मेरठ का गई, और उसके बगल में ही है सॉफ्टिक्स मॉल, जो कि सुपरटेक द्वारा बनाया गया था और बहुत लंबा चौड़ा मॉल है सॉफ्टिक्स मॉल मेरठ का। और ये बनाया गया था सन 2006-07 में, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ से ये देखिए ये ट्रक आ चुका है, ये ट्रक की क्रॉस कर रहा है तो स्लो डाउन चलता हुआ इस जगह पे शताब्दी नगर के स्टेशन से पहले दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस दिखाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किस चीज़ का वर्क चल रहा है, वो सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ आप सभी को दोस्तों। तो आगे आने वाला है रिठानी का स्टेशन, वो सॉरी शताब्दी नगर का स्टेशन, वो भी आप लोग देख लो कि वहाँ पर क्या क्या वर्क चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा और फिर उससे आगे का दिखाएंगे आप सभी को। तो आपको बता दूं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, तो ये बीच के जो डिवाइडर हैं वो भी लगाने का काम चल रहा है, देख सकते हैं ये बीच के डिवाइडर कहीं कहीं लगा दिए गए हैं शताब्दी नगर और रिठानी के बीच में, गाइस देख सकते हैं ये लगाने का काम चल रहा है बीच के डिवाइडर को। ये बीच के डिवाइडर लगाए जाने के बाद में इस पर मिट्टी डाली जाएगी और मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो अभी वहीं पर काम कंप्लीट हुआ है और देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है शताब्दी नगर से पहले, ये देख सकते हैं ये लॉन्चर है और ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ चल रहा है शताब्दी नगर के स्टेशन के लिए गाइस।
तो वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, आने वाला है। तो यहाँ पर सारे पिलर कंप्लीट कर लिए गए हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये लॉन्चर लगा हुआ है पीछे, वो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है मेरठ सेंट्रल की तरफ। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। इन ये बर्थ, ये दो तीन पिलर बचे हुए जिन पर पिलर कैप का काम होना है गाइस, ये देख सकते हैं। इस पर पिलर कैप लगाया जा रहा है, ये पिलर कैप लगाया जा रहा है, इस पर कंक्रीट की मदद से ये पिलर भरा जाएगा। इस पर भी पिलर कैप का काम किया जाना है और इसको अभी ऊपर बढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये इन पर अभी कोई वर्क नहीं हुआ, तो वर्क चल रहा है इन पर, ये रिंग लगाने का काम चल रहा है इन पिलरों पर। देख सकते हैं वो वर्कर काम कर रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है इन पर, ये रिंग लगाए जाने और रिंग लगाए जाने के, और यहाँ पर कंक्रीट भर के ये पिलर भर दिया जाएगा, कंक्रीट भर दी जाएगी। और आगे आ गया, ये देख सकते हैं, ये आ गया शताब्दी नगर का स्टेशन जो मेरठ में आता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कि राइट में और लेफ्ट में इन पर अभी पिलर तो स्टैंड कर लिए गए हैं, इन पर फाउंडेशन बना लिया गया, ऊपर भी ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। अब इन पर रिंग लगाए जा रहे हैं दोनों साइड में, रिंग लगाए जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। और देख सकते हैं ये शताब्दी नगर का स्टेशन, ये देख सकते हैं तस्वीरें, किसके बीच में भी ये दो पिलर बनाए गए हैं, क्योंकि ऊपर ये देख सकते हैं ये बीम डालने का काम चल रहा है। ऊपर स्टेशन बनाया जाएगा तो ऊपर का ही काम चल रहा है, नीचे का काम हो चुका है और बीच बीच में ये रह गया है। इस पर स्टेयर लगाए जाएंगे शताब्दी नगर के स्टेशन पर। तो फर्स्ट फ्लोर तो कंप्लीट कर लिया गया, सेकंड फ्लोर पर काम चल रहा है, और अभी ये जो गाटर डाल के इन पर फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा ऊपर स्टैंड करने के लिए, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये फ्लोरिंग किया जाएगा, तो आधे पे फ्लोरिंग हो चुका है, आधे पे किया जाएगा। गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है शताब्दी नगर के स्टेशन पर, इस पर गाटर लॉन्चिंग होने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना बाकी रह गया, यही अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आँखों से, और देख सकते हैं दोनों साइड में, इधर भी उधर भी, ये देखिए ये बीच में पिलर बनाए जा रहे हैं, तो इन्हें भी स्टैंड करने का काम चल रहा है अभी, देख सकते हैं ये, क्योंकि अभी ऊपर बढ़ाए जाएंगे, सेटिंग लगी हुई है और इन पर रिंग लगाए जा रहे हैं। रिंग लगाए जाने के बाद में फिर इनको कंक्रीट द्वारा भर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं अभी दोनों साइड में यही वर्क चल रहा है, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड के नहीं बने, इन पर अभी पाइलिंग की जाएगी, और पाइलिंग हो जाने के बाद में फिर इनको ये गाटर द्वारा इनको कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे, ये देख सकते हैं ये पाइल मशीन खड़ी हुई है, और वो देखिए ये कंक्रीट द्वारा भरे जा रहे हैं पिलर। और यहाँ से हम हो जाएंगे यू ले लेंगे और दिखाते हैं आपको, तो ये देख सकते हैं ये है सॉफ्ट्रिक्स मॉल शताब्दी नगर के, ये सॉफ्ट्रिक्स मॉल है, और इसके बगल में ये शताब्दी नगर का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।